हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वॉल पुट्टी से बत्तख बनाएंगे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बत्तख का बॉडी पार्ट बनाने के लिए हमने इस तरीके से न्यूज़पेपर लिया है और न्यूज़पेपर का गोला बना के उसको हमने कार्गो टेप से कवर किया है। बत्तख की गर्दन बनाने के लिए हमने इस तरीके से एल्युमिनियम का वायर लिया है और इसको इस तरीके से बेंड करके जो हमने बॉडी पार्ट बनाया है उसके अंदर उसको इंसर्ट किया है। जो हमने एल्युमिनियम का वायर लिया है उसको भी हमें न्यूज़पेपर से इसको कवर करना है और उसके ऊपर आपको कार्गो टेप चिपका के नेक का शेप देना है। अभी हमें इसके ऊपर वॉल पुट्टी प्लस फेविकॉल मिक्स करके इसके ऊपर लगाना है। इसके बाद आपको वॉल पुट्टी का डो लेके इस तरीके से आपको लगाना है। इसे आपको पूरा बत्तख के ऊपर कवर करना है। वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाते हैं मैंने इसका वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दिया है, वो आप देख सकते हैं। वॉल पुट्टी लगाने के बाद आपको इस तरीके से या पानी की सहायता से आपको स्मूथ करना है। पूरा क्राफ्ट होने के बाद आपको ओवरनाइट के लिए सुखाने के लिए रखना है। देखिएगा, सूखने के बाद इसका टेक्सचर जो है ऐसा लग रहा है। और अभी हमें इसको सैंड पेपर की सहायता से पूरा क्लीन अप करना है। यहाँ पे मैंने 220 नंबर का सैंड पेपर लिया है। देखिएगा, हमारा बत्तख का क्राफ्ट है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने दो बत्तख बनाए हैं, अभी हमें इसको कलर करना है। बत्तख की क्राफ्ट को रखने के लिए हमने इस तरीके से वॉल पुट्टी से मैंने एक पत्थर जैसा बनाया है। देखिएगा, इस तरीके से हम पुराने अखबार से बहुत ही अच्छे से अच्छे क्राफ्ट्स बना सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा ये क्राफ्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।